वो माँ कैसा तड़पी रहेगा, वो बाप कैसा तड़पा रहेगा। करंट शॉट दिन हजरत शबरी रिक्शा वाले को बोल रहा हूँ, तमाम मुस्लिम खैदीन लीडरों को बोल रहा हूँ, करंट शॉट दे को इसको पत्थर डाल को मुंह को मारी, तुम्हारे बच्चे क्या सेफ ही घर में 4% भी चलेगा हजरत, तुम्हारे बच्चे पढ़ को डॉक्टर लंदन में बनते थे मालूम, वो बच्चा का 4% भी चलेगा कब तलक तुम्हें। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमें सबर करो, हमें ही घर को बोल ले को कांग्रेस के लीडर के साथ थे, कांग्रेस के गुलामी छोड़ो, अल्लाह के वास्ते बोलो हजरत, ये बार के इलेक्शन में कोई कांग्रेस को डालो वोट करके बोले तो उस दिन उसे कैसा फिट कर तू। तमाम आने वाले इलेक्शन में जमीर भाई को बोल डालो, तुम्हें लोग आलिमा जहां मुसलमान करता है वहां जाकर गलत स्पीच देने को कहना, खासकर जमीर भाई के वास्ते बोल रू मई इंशाल्लाह। जमीर भाई तुम्हारी भी बहुत इज्जत करती, मगर गलत जाको स्पीच देखो मुसलमानों के लीडर को हार करो को। कांग्रेस के गोद में बढ़िया ना, हर आदमी बोलता क्या भाई तुम्हारे उलमाया कांग्रेस की पार्टी में बैठ गई, कांग्रेस के गोद में बैठ गई, क्या राहुल गांधी रिश्तेदार क्या इनका, सोनिया गांधी रिश्तेदार क्या है, कोई दूसरा हुकूमत चला है नी, देवेगौड़ा सब चला है नी, देवेगौड़ा सब क्या करे 4% मुसलमानों को दिया है, आज की वो हमारे उलमाया को पूछते हूँ, देवेगौड़ा सब 4% दिया ना, सिद्धाराम भी डीके अशोक कुमार सोनिया गांधी क्या कर रहे हैं, 4% फिर देना था अपोजिशन होना ना। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जैसा 2-3 दिन से जो वीडियो में आ रही इदरीस पाशा का मर्डर होगा और ऐसी बेरहमी से मार को ही कि इंसान देखो इंसान कुछ परेशानी आ रही है कि ऐसा भी मारती क्या, ऐसा भी शक देती क्या घर को, और मैं देखा और 3 महीने की बच्ची भी है, और इंशाल्लाह मैं 2 दिन से बेकार वीडियो सिलने को था कि हमारे रहबरान कती कर्नाटका के शबरुल इरशाद वालियां से ख़ास आलिमान से उलमायान से मैं पूछ रहा हूँ, मैं 2 दिन कहीं को खामोश था कि तो तुम इतना बड़ा शबरुल इरशाद में बैठ को सब कर्नाटका के मुसलमानों के रहबरान कती तुम्हें इलेक्शन के वास्ते खाली कांग्रेस पार्टी के लीडर आपको बैठे तो गए बार तुम्हारे पास शबरुल इरशाद में आपको बैठे थे रहमान खान जमीर अहमद रिजवान अरशद उटी कादर हारिस नसीर भाई तमाम लीडरान मुस्लिम लीडरान रहबरांग थे, उन्होंने बहुत बड़े कौम के बहुत बड़े लहरांग या लीडरांगर को तुम्हारे पास आए थे शबरुल इरशाद को, तुम्हें क्या बोलती पूरे लीडर हमारे पास आके अगर को बोल को वोट कांग्रेस को दियो अगर को बोलती सारी जिंदगी कांग्रेस को दियो गती तुम्हें लोग कांग्रेस का सिद्धरामैया क्या बोलिया वीडियो देखो एक प्रिजोट उनका एक आदमी अदेला नमगे गोतिल्ला रहे गती सिद्धरामैया साहब ये हमारे कुमार स्वामी पहले 24 ओवर में अरेस्ट करना नहीं कहते क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या, कुमार स्वामी साहब क्या क्या आवाज़ें उठा रही हलाल के बारे में मुस्लिम के बारे में हिजाब के बारे में ये 3 तलाक के बारे में हर चीज़ में 4% रिजर्वेशन के बारे में ये सब तमाम बातें हमारे कुमार स्वामी साहब उठाए, हमारे शबरुल इरशाद वाले को अभी भी अकल नहीं है क्या, तमाम कौम कुल्ले को तुम्हें डुबरी इंशाल्लाह, ये आलिमा और मुफ्तियों को मैं ये वार्निंग भी दे रहा हूँ इंशाल्लाह, तमाम मुसलमान कौम तुम्हारे पीछे है, देखो ये चखंडा श्रीनिवास का घर जलिया गलाटे में अपे लोग घर बन को देती कहते जाको, ये हमारा इदरीस पाशा मंडिया के इंतकाल हो गए, तुम्हें जाको कौन तो भी एक आलिम कौन तो भी एक मुफ्ती कौन तो भी एक लीडर कौम के लीडर अगर को तुम्हें बोले ना हजरत शबरुल इरशाद वाले को पूछ रू मई वो पूरे लीडर को बुला लगो जाको धरना बैठे क्या तुम्हें कि वो कौम इतनी परेशानी है, आप लोग खाली देखते रहना खाली सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में दिना ढकल रही क्या तुम्हें लोग कौम तुम्हारे पीछे है अपे लोग क्या तो भी एक उठा को कब तलक वो माँ कैसा तड़पी रहेगा वो बाप कैसा तड़पा रहेगा
करंट शॉट डीन हजरत शबर इर्शाद वाले को बोल रहा हूँ, तमाम मुस्लिम कैदीन लीडरों को बोल रहा हूँ, करंट शॉट देखो इस वो पत्थर डाल को मुंह को मारी, तुम्हारे बच्चे क्या सेफ ही घर में, दूसरे के बच्चे क्या रोडा को धंधा करने गए, तो एक बिजनेस एक इफ्तियारी के वास्ते जाने वाले नहीं, उन्हों गाड़ी को कौन भी ड्राइवर नहीं कर को, एक रोज ही मिलती है अगर को रमजान में सहारी इफ्तियारी के वास्ते, बच्चांगे कौम के वास्ते, बच्चांगे पालने के वास्ते, जीने के वास्ते जा कोई, कौन सा भी शराब का अड्डा चला को नहीं, कौन सा भी जुआ चला को नहीं, रोजी के वास्ते जा कोई हजरत, तुम्हें लोगों से भी हजरता मिलको, एक मंडिया को कब तो भी जाको, वो बच्चे को वो बच्ची को वो घर वाले को क्या तो भी तुम्हें बोल का को ही क्या भी बोलते नहीं, खाली बैठ जाना लीडर आंगे तो कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, ये तुम्हारा हिसाब है। हमें लोग बोले तो भाई आलिमा को ऐसा बोले, मुफ्तिया को ऐसा बोले, भाई आलिम आलिमा का काम करो, मुफ्ती मुफ्ती का काम करो, ये दूसरे हिस्से रहे तो धरना बैठती कि वो आज हमारे हजरता में भी नहीं ऐसे है। आप लोग बुला ले को चलो धरना बिठाओ, हमें पैसे खर्चा करके धरना बैठती, आप लोग हुकुम करो, 4% भी चलेगा हजरत, तुम्हारे बच्चे पढ़ को डॉक्टर लंदन में बनते थे मालूम, वो बच्चा का 4% भी चलेगा कब तलक तुम्हें, सुभान अल्लाह ही अल्हम्दुलिल्लाह ही, हमें सबर करो, हमें ही घर को बोल ले को कांग्रेस के लीडर के साथ, कांग्रेस के गुलामी छोड़ो, अल्लाह के वास्ते बोल रहा हजरत, ये बार के इलेक्शन में कोई कांग्रेस को डालो वोट करके बोले तो उस दिन उसे कैसा फिट कर तू, इंशाल्लाह कौम का दर्द हमना है। कितने की बार बोलूं तुम लोगों को हजरत को, IMA वाले को बोलो, SDPI वाले को बोलो, SDPI वाले को तो भी जाको देखो उन्हें धरना बैठी, खुशी मालूम हो रही है, JDS वाले को बोलो, आम पार्टी वाले को बोलो, सब मुसलमान की टोपी लगे, कौन भी मुसलमान का वोट लगा को नहीं है। आप लोगों को बोल रहा हूँ इंशाल्लाह आज ऐसा आज गौ रक्षा करके वो पुनीत, अगर पुनीत को अरेस्ट नहीं करे इंशाल्लाह, रमजान ये सबर का महीना है, ये सबर के महीने के बाद अगर गवर्नमेंट बीजेपी हुकूमत कौन तो भी रंदे, ये मुसलमान रहता तो कितने की घरान तबाह करके EOP कैसा डालते थे, ये ले ले जाको बर्बाद कर डालते थे। आज एक मुसलमान भाई कुमार को है, एक हिंदू गौरक्षा गौरक्षा 2 लाख रुपए पूछा ना, वो गौरक्षा भगवान बोलेगा क्या 2 लाख रुपए दियो घर को, पूछो घर को है गौरक्षा गौरक्षा घर को, सभी हिंदू मुसलमान अच्छे ही यहाँ चंद छिछड़े ही चंद गलीजा ही, वो लोगों की तरफ से हमारी कौम भी बर्बाद हो रही है, हिंदू भाइयाँ भी बर्बाद हो रही। आज कर्नाटका के अंदर ये सब अमन शांति सुकून अच्छा जीना सब के तो हमारे आलिमा उलमाया सब इंशाल्लाह उठ को ये खिस्से को आगे बढ़ाना, कौम को साथ ले को धरने बैठना, सियासती नहीं चलना हजरत शबर इर्शाद वाले खासकर बिलाल मस्जिद वाले, सियासत में तुम्हें नंबर 1 पो ही, हर जगह जाओ ये बंद करो, 1,60,000 वोट है सरोजा नगर, वहां मुसलमान जीतता है, मुसलमान को जीता हेब्बल, वहां 80 पो 5,000 वोट है, वहां मुसलमान को जीताओ, तुम्हारा फर्ज है। पूरा पार्टी देखो नो को, JDS देखो नो को, कांग्रेस देखो नो को, BJP देखो नो को, SDPI देखो नो को, जहां जहां मुसलमान खड़ रहा 50 MLA तुम्हें बना को विधानसभा को भेजो, वो काम करो तुम्हारा, हाल ही नहीं भी वहां जार्ज है, वहां बिलाल मस्जिद वाले जाओ, तुम्हारे पहले तुम्हारे चीजा बंद करो, हमें बोले तो बहुत है। एक दिन इंशाल्लाह अगर ये बार के इलेक्शन में तुम्हें एक पार्टी के पीछे कहेंगे इंशाल्लाह तुम्हारे पूरे पोलांग खोल को पूरा हमारी पब्लिक के सामने लातूं, ये तुम्हें किसे किसे कैसा करती, छोटे छोटे मदरसे अंगने क्या करती, क्या रखो दिए तो जाती, क्या रखो नहीं दिए तो जाते नहीं, ये सब हमारे पास लिस्ट है, हमें बोलिए तो हमारी कौम की बेइज्जती होती हजरत। आप लोग उलमाया आप लोग की इज्जत कर रही, ये सब छोड़ो, और तमाम आने वाले इलेक्शन में जमीर भाई को बोल डालो, तुम्हें लोग आलिमा जहां मुसलमान करता है वहां जाको गलत स्पीचा देने को कहना, ये खासकर जमीर भाई के वास्ते बोल रू मई, इंशाल्लाह जमीर भाई तुम्हारी भी बहुत इज्जत करती, मगर गलत जाको स्पीचा देखो मुसलमान के लीडरों को हार करो, उन्हों को लीडरशिप बनाओ, 7 से 70 लीडर बनाओ मुसलमान के, मैं मानता हूं हम के लीडर कर को,
अल्लाह के वास्ते अहमदाबाद रंदे, अहमदाबाद रंदे, वो हेपाल रंदे, कोलार रंदे, सरोजा नगर रंदे, आड़े तिड़े स्पीचा नहीं चलते इब्राहिम, यू नो जमीर भाई, अब इंशाल्लाह होम के रहबर बन को चलो, अल्लाह ताला तुमने अच्छा दिया है। उस्ताद साहब बार बार जो है तुम्हारा एक मैसेज उलमाए किराम को रहता है, बार बार आप अपने स्टेटमेंट में स्पीचा में दे रही, लेकिन असरात कहीं भी नजर नहीं आ रही। असरात आ रही है, दिखा ले रही नहीं, सुनो क्या वास्ते कहते हो, उनके जहन में हमारे उलमायां के जहन में हमारे उलमायां कुछ पूछतू, 14 आदमी गए ना उलमायां को मालूम नहीं, 50-50 करोड़ देखो, जमीर भाई बंबई को बुला ले को गए, वो 14 आदमी कौन, सिद्धरामैया के फॉलोअर, फिर कांग्रेस को वोट डालो अगर को बोलती ना हमारे उलमायां, क्या वास्ते बोलती उलमायां? नहीं, उनके जहन में क्या है, कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमानों की हिमायत करने वाली सपोर्टर पार्टी, सदाम के गलाटे में कांग्रेस है, 24 जाफर शरीफ थे ना, सदाम का गलाटा कैसा शुरू हुआ, ये 20 पर 8 एमएलए से 7 एमएलए कैसा है, सिद्धरामैया के तरफ से, सिद्धरामैया भी हारना मुसलमान कौम सुधरना का, तो अल्लाह के नबी के सिवा कोई नहीं है मुसलमान का, आज जो घर में बच्चा मरिया उनके घर में जाकर गुजर रहा है, ये घरामन को देती है हमारे उलमाया अखंडा सिनोस मूर्ति को घर बन को देती है, वो खुशी की बात, वो पैसा ले को वो बच्चे तड़प रही, कभी जाको राशन आंधी जेला में 40 पर दो बच्चे जेला में ही, हमारे उलमाया को क्या तभी फिकिर है, ये फिकिर नहीं है, खाली सटापा, कौन से एमएलए करने क्या निकलता है, कौन से एमएलए करने कैसा, कौन सी पार्टी करने, चंद उलमाया के तरफ से पूरे आलिमा के नाम बदलाम होता है, पूरे आलिमा उलमाया एक हो जाओ, एक हो को एक पार्टी को साथ दो, 2018 में दिए कांग्रेस को हुकूमत चली 120 पर 3, 60 सीटा है, 80 सीटा है उनके जी। तो क्या इस मामले में आप अमीर अशरीफ से मुलाकात करेंगे, उलमा इकराम की मीटिंग करेंगे? जरूर इंशाअल्लाह, हमें पूरे मिलको हमें तय कर ली, नौजवाना सभी हमारे फिरदौस भाई, हमारे मुन्ना भाई, ऐसे बहुत सारे नौजवाना ही आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी किसी को तो भी दे दे सीट, हमना क्या भी नहीं है, या अकोंडा श्रीनिवास मूर्ति को तो भी दे दे, या जमीर भाई किसे तो भी दे लेंदे, हमना कोई शिकवा नहीं है, वो उनकी पार्टी का दर्द, मैं ये जो गौ रक्षा गौ रक्षा गौ रक्षा करी ना, हमारे आलिमा क्या कर रही, हमारे उलमाया क्या कर रही, तमाम पब्लिक से ये जो बिजनेस करती, एक गाड़ी में बिजनेस अपे कॉरपोरेशन से लेटर लियो, गवर्नमेंट से लेटर लियो, वो लेटर रख ले को 4-4 जने जाओ गाड़ी में, ये खरीदारी कर तो भी 4 जने मिलकर जाओ, आज उनके ऊपर उतरिया सुबह दूसरे के ऊपर उतरता है। सर खुलेआम जो है बाजार में बेचा जाता है, वहां पर कोई केस नहीं होता, जब कोई खरीद कर लाता है तो उसको रास्ते में भाई, वो बाजार में बेचने वाला हिंदू, लाने वाला मुसलमान, इसीलिए तो टारगेट बना रही हूँ मुसलमान के ऊपर टारगेट, मुसलमान के ऊपर टारगेट बना तो हमारे आलिमा उलमाया सॉरी ना, क्या करना सब आलिमा उलमाया काम, क्या ले को खौम को ले को चलो, आज वो बच्चे के ऊपर चलिया, मैं हर हमेशा बोल रहा हूँ एक पार्टी के पास जाओ को, 4 पार्टियों के पास हर एक पार्टी के मुसलमान को बुलाओ, ये करबी कॉलेज का 10 एकड़ मैदान है तुम्हारे पास, वो मैदान में बिठाओ, हमारी कौम के ऊपर ऐसा आको है, क्या करना अगर को हर पार्टी से लो, ये नहीं कि कांग्रेस के गोद में बढ़िया ना, हर आदमी बोलता क्या भाई तुम्हारे उलमाया कांग्रेस की पार्टी में बढ़ गई, कांग्रेस के गोद में बढ़ गई, क्या राहुल गांधी रिश्तेदार क्या इनका, सोनिया गांधी रिश्तेदार क्या है, कोई दूसरा हुकूमत चला है नी, देवेगौड़ा देवेगौड़ा सब चले नहीं, देवेगौड़ा सब क्या करे, 4% मुसलमानों को दिया है, आज की वो हमारे उलमाया को पूछते हूँ, देवेगौड़ा सब 4% दिया ना, सिद्धरामैया भी, डीके अशोक कुमार सोनिया गांधी क्या कर रहे हैं, 4% फिर देना था, अपोजिशन उनस ना लड़ना था, हुकूमत आई तो 2 जगह हरियाणा में भी राजस्थान में चल रही है हुकूमत, वहां दे सक रही नहीं उन्हों, अब आई तो क्या देती है, 25-27 सीटा आती उनके, अब एच कुमार कुमार स्वामी कहाँ आ जाती इनकी घर को, बीजेपी भी कांग्रेस अलंसोरी है, सेट पर एक सीट पर, ये हमारे उलमाया को मालूम, पूछो कना कौन से तो भी आलिमा उलमाया को मालूम क्या पूछो, पहले हमारे आलिमा उलमाया पहले हर मुसलमान का हक है, अरब भी कॉलेज भी चंदे के पैसे में है, सो कौम के पास जो मदरसे के मस्जिद के पास तुम्हें चंदा पूछती अरबी कॉलेज के बाहर, वो सब वो पैसे हमें पूरा ले को ही, कोई एक हजरत बन को नहीं है, सब चंदे से मस्जिदान चल रही है इंशाल्लाह, तमाम आलिमा उलमाया मिलको, ये जो मसला है जो
मंडिया का, इदरीस का, वो मसला हल करना हमारे आलिमा। अगर नहीं करेंगे इंशाल्लाह एक पार्टी से जाएंगे, मैं कैसा डाल तू, खुला कैसा डाल तू इंशाल्लाह। की कहते हम परेशान है, नादानी है कौम। उन्होंने लोग सीखा ना, एक एक लीडर के पीछे चल गए तो जमीर भाई के पीछे चार रे, इनके पीछे दो, उनके पीछे दो, तो दूसरे लीडर कांग है। जब उलमाए किराम में ही इत्तेहाद नहीं है तो क्या चलाती हमारी पब्लिक के साथ? वो बोलो साहब, बोलो। जब उन्होंने चाली माँ, तू सुन्नी, तू शिया, तू बरेली, तू जमात का कर को बोल को फोड़ाल को, दुनियादारी फोड़ा ली। जब हमारे जगह नालायक आदमियां क्या कर सकती? लेकिन जो दुश्मन है वो सुन्नी बरेली नहीं देखता साहब, सिर्फ मुसलमान। मुसलमान टोपी लगा रहा क्या? अरे उर्दू पढ़ रहा क्या? आर एगर को बोल रहा क्या? जाब आकर को बोल रहा क्या? उसे टारगेट रख रही है।